देशभक्ति का जुनून जब खून में बहने को बेकरार होता है, आजादी के खातिर हर देशभक्त दर्द सहने को तैयार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज और मैं हूं रश्मि शंकर। देश में जब आजादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी, तब हर कोई अपने अपने अंदाज में इस लड़ाई में शामिल हो रहा था। वो ऐसा वक्त था जब हर देशवासी सिर्फ और सिर्फ आजादी की गुहार लगा रहा था। आजादी अपने मातृभूमि की, आजादी अपने हिंदुस्तान की, आजादी अपने तिरंगे को बेखौफ लहराने की। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम ऐसा था जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आजादी के लिए मरने मारने तक को तैयार हो गए, जिनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, हिंदुस्तान की आजादी। जिन्होंने ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, वो नाम है सुभाष चंद्र बोस। देश की आजादी के लिए मरने और मारने को तैयार रहने वाले भारत के अमर वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस का जन्म उस वक्त हुआ जब पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हर तरफ आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। उसी बीच वो दिन आया, 23 जनवरी 1897। ये वो दिन था जब उड़ीसा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इनका जन्म एक खुशहाल और संपन्न बंगला परिवार में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस उस दौर के प्रमुख बंगाली वकील हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही राष्ट्र प्रेम से लबालब थे। वे किसी भी हाल में देश की आजादी चाहते थे, लिहाजा वो एक क्रांतिकारी के तौर पर उभर कर सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज को चुना, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद इनके माता पिता ने इन्हें भारतीय सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। बोस के विचार गांधीवादी विचारों से अलग थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशों के दमनकारी शासन के खिलाफ बल के उपयोग की दृढ़ पैरवी करते थे। सुभाष चंद्र बोस को लोग प्यार से नेताजी कहकर बुलाते थे। महात्मा गांधी के साथ कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। और फिर एक दिन नेताजी ने अपनी खुद की भारतीय राष्ट्रीय शक्तिशाली पार्टी आजाद हिंद फौज बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए गांधी जी की अहिंसक नीति सक्षम नहीं है। अतः उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली आजाद हिंद फौज बनाई। बोस अहिंसा के विरोधी थे, न कि गांधी जी के। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। नेताजी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए भारत की शक्ति, आकांक्षा, प्रेरणा और अदम्य भावना के प्रतीक हैं। उनके लिए गरीबी, अशिक्षा और बीमारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। उन्होंने कहा था कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज हम राष्ट्र को समृद्ध, अखंड तथा आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए कार्य करने का संकल्प लें, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि हो। देश सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।